नमस्ते। जी नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। तो कल तक जितनी बात हुई इसको ब्रीफली सम अप कर ले। तो ये अपने को ध्यान में आता है कि यदि हम मानव को न समझे और मैं बराबर शरीर मान ले, तो शरीर की जो सीमित सामयिक सुविधा की आवश्यकता है उससे मैं की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने जाते हैं और उसके लिए सुविधा को असीमित बनाने की इच्छा बन जाती है और फिर हम अपने अंदर दरिद्र महसूस करते हैं और सुविधा संग्रह के एक कुचक्र में फंस जाते हैं। इस पे हम लोगों ने कल असाइनमेंट भी लिया था कि हम देख लें कहीं हम इस कुचक्र में तो फंसे भी नहीं। उसके साथ ही मैं और शरीर इन दोनों वास्तविकताओं को ठीक ठीक देखने की भी बात, क्या हम इसको सीधे सीधे देख सकते हैं? ठीक है, मुख्य मुद्दा तो ध्यान जाने का ही है। एक बार ध्यान जाने लगे तो हम खुद से मूल्यांकन करने लगते हैं और एक बार हमें ये बात ध्यान में आ जाए कि ये जो सुविधा के लिए मुझे कार्यक्रम बनाना है वो तीन ही पर्पज से हो सकता है, या तो शरीर के पोषण के लिए हो, या संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए। अगर इन तीनों में से किसी के लिए नहीं है तो दुरुपयोग ही है, अनावश्यक है। तो अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो फिर हम धीरे धीरे खुद इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जी, तो अगर अपनी ओर ध्यान देते हैं तो दिखाई देता है कि मेरे और शरीर के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ आदान प्रदान हो रहा है। इस पे ध्यान देंगे अपने होने और शरीर के होने पे तो दिखाई देगा कि मेरे और शरीर के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है यानी जो आदान प्रदान हो रहा है उसी सूचना का हो रहा है। तो मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है। मेरे और शरीर के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और यहाँ कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं हो रहा। तो मैं शरीर को संकेत देता हूँ, शरीर से मुझे संवेदना मिलती है। तो मेरे और शरीर के बीच में इतना ही आदान प्रदान होता है कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये बोलने के लिए मैं शरीर को संकेत दे रहा हूँ, तभी मेरे होठ हिल रहे हैं, तभी आवाज बाहर आ रही है। और ये स्लाइड सामने है उसको मैं देख रहा हूँ, तो ये दृश्य मेरी आंखों में बनता है, फिर ये आंखों से मुझ तक पहुंचता है एक संवेदना के रूप में। तो मेरे और शरीर के बीच में इस सूचना का आदान प्रदान होता रहता है। ये भी आपको दिखाई देगा, थोड़ी और बारीकी से देखेंगे जब हम इसको अभ्यास दो में, कि मेरे निर्णय से होता है, आवश्यकता अनुसार होता है। जितनी आवश्यकता होती है उतना मैं शरीर को संकेत देता हूँ और हर बार संकेत देने का निर्णय मेरा होता है। वैसे ही जितनी आवश्यकता लगती है मुझे उतना मैं शरीर से आने वाली संवेदना को पढ़ता हूँ। तो शरीर के हर कोशिका में, हर अंग में संवेदनाएं हो ही रही है, मैं उसको पढ़ता हूँ यदि मुझे आवश्यक लगता है। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इसमें जो निर्णय है वो मेरा है। इसको अभी हम लोग एक स्टेटमेंट के रूप में ले रहे हैं, परंतु इसको क्रमशः स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से हम अभ्यास दो में और ऑब्जर्व करेंगे। तो ये दिखाई देगा कि शरीर को जब भी मैं कोई संकेत देता हूँ, कोई भी हरकत मैं करता हूँ, मैं पाँव उठा रहा हूँ, हाथ चला रहा हूँ, ठीक है ना, बोल रहा हूँ, सर घुमा रहा हूँ, बैठने का पोस्चर बदल रहा हूँ, इन सब में मेरा निर्णय शामिल है, ठीक है ना, और तभी मैं शरीर पर संकेत दे पाता हूँ। वैसा ही दिखाई देगा कि शरीर के हर अंग में तो संवेदनाएं हो रही हैं, जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उसको मैं पढ़ता। जैसे अभी हैं तो ध्यान अगर मोबाइल में लाइट पे है तो शरीर से आने वाली संकेतना संवेदनाओं को नहीं पढ़ रहा। अगर कोई इसमें कोई ऐसी संवेदना हो जो महत्वपूर्ण लगे, जैसे ठंड की कोई संवेदना आ जाए तो उसको ध्यान दे देते हैं। अदरवाइज शरीर के तो हर अंग में क्रियाएं हो रही हैं, क्रियाओं की सूचना मिलती ही रहती है। जब उसको आवश्यकता लगती है तो उसको ध्यान देते हैं, आवश्यकता नहीं लगती है तो नहीं ध्यान देते हैं। इस रूप में मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं का अलग अलग होना समझ में आता है। अपने आप को ध्यान देते हुए ये कुछ बातें और स्पष्ट होती हैं। तो एक तो दिखता है कि मैं हूं, है ना, और मेरा शरीर है। तो मैं हूं एक वास्तविकता है, मैं शरीर का ही कोई भाग हूँ, शरीर की कोई विशेष क्रिया हूँ, शरीर का ही कोई प्रभाव हूँ, या किसी अन्य चीज का शरीर पे प्रभाव हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक वास्तविकता हूँ, मैं हूँ, मैं एक इकाई के रूप में हूँ और शरीर है। मैं चैतन्य हूँ, शरीर जड़ है। ये जो जीने की चाहना ये मुझ में है, शरीर में नहीं। शरीर तो एक साधन के रूप में है, तो शरीर नहीं जीना चाहता, मैं जीना चाहता हूं, ठीक है ना। तो जीने की चाहना मुझ में है, शरीर में नहीं। शरीर में कोई चाहना है ही नहीं, शरीर तो एक जड़ इकाई है। मैं सिर्फ जीना नहीं चाहता, मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं।
निरंतर सुख पूर्वक जीने के क्रम में शरीर का एक साधन के रूप में प्रयोग करने के क्रम में मुझे सुविधा की आवश्यकता होती है, और सुविधा की जो आवश्यकता होती है वो तीन ही प्रयोजनों से होती है, शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में। ये बात हमने पहले भी की थी। तो शरीर को सुख नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए, शरीर को पोषण चाहिए, संरक्षण चाहिए, और शरीर का मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ। शरीर का जब मैं सदुपयोग करता हूँ तो शरीर का पोषण और संरक्षण ज्यादा ठीक से हो पाता है। निरंतर सुखपूर्वक जीने के क्रम में मुझे दिखाई देता है कि मेरा जो कार्यक्रम है वो व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है, यानी अपने स्वभाव में स्थापित होना है, स्वभाव में स्थापित होते हुए भागीदारी करना है, जीने का जो पूरा फैलाव है स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक, उसमें व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है, यही मेरे सुख का स्रोत है। उस क्रम में मैं शरीर के लिए आवश्यक सुविधा का उत्पादन करता हूँ, संरक्षण करता हूँ, सदुपयोग करता हूँ, और इस सुविधा के साथ मैं कार्यक्रम बनाता हूँ तो मेरे पूरे कार्यक्रम का एक बहुत छोटा हिस्सा है। जैसे अभी भी थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिए कि हमने कोई उत्पादन कर दिया, ठीक, वस्तु घर में आ गई, ठीक है ना, उसका सदुपयोग भी हम समय समय पर करते रहते हैं। जैसे हमने खेती की, अनाज तैयार हो गया, घर में आ गया, अब वो घर में आकर रखा हुआ है, जब आवश्यकता होती है हम उसको जाते हैं किचन में बना के ले आते हैं, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। परंतु जो सारा बचा हुआ समय है इसमें मेरा क्या कार्यक्रम है, वो तय होना जरूरी है। तो आपको दिखाई देगा कि सुविधा की सीमित निश्चित आवश्यकता को जितना ठीक से हम पहचान पाते हैं उसके लिए जो हमें कार्यक्रम बनाना पड़ता है वो और उतना निश्चित हो जाता है। तो दिखाई देगा कि जो जीने का पूरा फैलाव है उसको चार स्तरों में देखें, स्वयं, परिवार, समाज, प्रकृति या अस्तित्व। तो सुविधा के लिए जो हमें करना है वो शरीर के लिए ही करना है, तो 1/4 से भी छोटा है। क्योंकि तो अगर अपने बारे में बात करें तो मैं और शरीर दो अस्तित्व हैं, शरीर के लिए सुविधा क्या हो सकता है, तो वो पूरे पूरे जीने के फैलाव का 1/4 हिस्सा ही है, उससे अधिक नहीं है। इसके आगे जो बात कही जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग बार बार ध्यान में लाएंगे जैसे जैसे अभ्यास सत्र आगे बढ़ेगा, कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ। दृष्टा मतलब देखने वाला, भोगता मतलब भोगने वाला, और करता मतलब करने वाला। तो दृष्टा मतलब देखने वाला, मतलब समझने वाला। तो जैसे अभी भी जो चर्चा हो रही है उसको कौन समझ रहा है, वो मैं समझ रहा है, शरीर नहीं। शरीर के सामने कुछ स्लाइड है, शरीर को कुछ सूचना मिल रही है, उसका अर्थ मैं दे रहा हूँ, उसका अर्थ आप दे रहे हैं। तो समझने वाली इकाई आप है, शरीर नहीं। शरीर नहीं समझता है, आंखों से हमारे को कोई दृश्य देखने को मिलता है, उसमें भी पता चला कि आंखों में कोई दृश्य बनता है। जैसे हमारे सामने कोई बिल्डिंग खड़ी है, उस बिल्डिंग का दृश्य मेरी आंखों में बनता है, वो दृश्य आंखों से मेरे मेधस तक आता है, मेधस से मुझ तक पहुंचता है, ठीक। और मैं बिल्डिंग को जिस जिस एंगल से देखता हूँ हर बार अलग अलग आंखों में दृश्य बनता है, आंखों में उसका रूप बनता है, फिर उसको अर्थ मैं देता हूँ कि वही बिल्डिंग है। कल को जर्जर हो जाए, कल को टूट के गिर जाए, तो हम कहते देखो ये बिल्डिंग टूट के गिर गया। अब बिल्डिंग का रूप तो अलग है बिल्कुल, बट मैं ही निष्कर्ष निकालता हूँ ये वही बिल्डिंग है कि नहीं। देखने वाला मैं, शरीर नहीं। वैसे ही जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी करने वाला मैं, स्वयं में कर रहे हैं, कल्पनाशीलता में कर रहे हैं, शरीर के साथ भी कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ है ना, ये भी एक करना है, चल फिर रहे हैं, ये भी एक करना है। इन सब में निर्णय मैं का है, शरीर का नहीं। शरीर तो एक जड़ इकाई है, मेरे अनुसार कार्य भर करता है। जब मेरे को दिखाई दिया कि मैं ही करता हूँ, और चाहे शरीर में कोई घटना हो जाए, बाहर कोई घटना हो जाए, उसकी सूचना मुझ तक आती है, सुखी दुखी मैं होता हूँ, शरीर नहीं। जब शरीर में मान लीजिए चोट लग गई, खून निकल गया, ठीक, शरीर में एक भौतिक रासायनिक क्रिया हो रही है, नुकीली वस्तु थी शरीर से लग गई, ठीक, चमड़ा कट गया, खून बाहर आ गया, खून बह रहा है, और उसके कारण शरीर पे प्रभाव भी पड़ रहा है। परंतु इसे दुखी होने वाला मैं हूँ, शरीर नहीं। शरीर पे तो एक प्रभाव भर पड़ रहा है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम इससे दुखी ना हो, हमने उसको एक अर्थ दे दिया है, और हमने जैसा उसको अर्थ दे दिया उसके अनुसार हमारी
कल्पना शून्यता की स्थिति बन जाती है कि नहीं, तो दिखाई देगा कि ये जितने भी कार्यक्रम हम बना रहे हैं शरीर के साथ जुड़कर, उसमें देखने समझने वाला मैं हूँ, निर्णय लेने वाला मैं हूँ, सुखी दुखी होने वाला मैं हूँ, और मैं ही साधन के रूप में शरीर का प्रयोग कर रहा हूँ। और मेरा अपना एक निश्चित कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है? मुझे अपने स्वभाव में स्थापित होना है। स्वभाव में स्थापित होने के लिए मुझे चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना है, जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। ये चिंतन बोध अनुभव में जागृत होते हुए मैं जीने के पूरे फैलाव में व्यवस्था को समझ पाता हूँ, व्यवस्था में जी पाता हूँ। जी अरुणा जी बताएं। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। गणेश सर आपको नमस्ते, सबको नमस्ते। भैया मैं ये पूछ रही थी कि जैसे सेल्फ है समझने वाला ना, तो मतलब जैसे ये सेल्फ की और सेल्फ कंटिन्यू है, तो सेल्फ में जो अंडरस्टैंडिंग है ये भी क्या कंटिन्यू रहती है हमारी शरीर के बाद भी? क्योंकि मेधस मेधस तो मतलब मेधस तो साधन है, मींस की ब्रेन, मेरे को लगता है मेधस मतलब ब्रेन बोल रहे हैं भैया आप। जी जी, तो वो तो मतलब एक, वो भी बॉडी का एक पार्ट है, वो एक साधन है, उसके थ्रू ही हमारी मतलब जो समझ को हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं मतलब। तो जब हमारा मतलब एक जो यूनिट है बॉडी, जब वो खत्म हो जाती है वो यूनिट, और एक सेल्फ ही यूनिट के रूप में जब कंटिन्यू रहती है, तो जो हमारी समझ है वो मेधस के खत्म होने से वो समझ रहती, या फिर B1 B2 की कुछ एक्टिविटी का कुछ ऐसा संबंध है कि B2 खत्म हो जाता है और B1 कंटिन्यू रहता है, तो हमें B1 जागृत करनी होगी, कुछ ऐसा भैया मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है मतलब। जी जी, देखिए एक तो अपने को समझ में आया कि मैं निरंतर बने रहने वाली इकाई हूँ। जैसे अभी भी देखिए, अगर मैं और शरीर ठीक से समझ में आता है तो पता लग गया कि चूंकि मैं ही करता हूँ तो शरीर को चुनने का निर्णय मेरा है, ठीक है। तो मैंने शरीर को चुना, अभी मैं निर्णय पूर्वक ही शरीर के साथ हूँ, और बारीकी से देखने पे और दिखाई दिया कि मेरे शरीर से दूरी है, तो मैं निर्णय पूर्वक शरीर के साथ हूँ। किसी पॉइंट पर मैं निर्णय लेता हूँ कि शरीर अब नहीं चलेगा, नहीं काम करेगा, तो मैं शरीर को छोड़ देता हूँ, बट उसके साथ मेरा अस्तित्व तो बना ही रहता है, मतलब मेरा होना तो बना ही रहता है। तो शरीर छूट गया, अब मैं शरीर के साथ नहीं हूँ परंतु मेरा होना बना हुआ है, तो मैं एक निरंतर इकाई हूँ। अभी जो मेरे अंदर क्रियाशीलता है वो अधिकतर कल्पनाशीलता के दायरे में है, और कल्पनाशीलता में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेधस के साथ जो ये सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, जिसमें मैं निर्देश दे रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ और संवेदना ले रहा हूँ, इसका एक मेजर रोल है। तो वहां पे होता है शरीर छूटने के बाद ये जो सूचना का आदान प्रदान है रुक गया, तो सूचना का आदान प्रदान से मेरे कल्पनाशीलता में बहुत सारी जो वस्तुएं बनी हुई थी अब वो नहीं बनी हुई है, वो बदल गई, ठीक, बट वो कल्पनाशीलता तो मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं कि शरीर गया तो कल्पनाशीलता का जो आयाम है टूट के शरीर के साथ चला गया, बिल्कुल नहीं। तो कल्पनाशीलता का आयाम मेरे साथ बना हुआ है। अब यदि मैं जो जानने का आयाम है, ज्ञान का आयाम है, उसमें चिंतन बोध अनुभव की क्रियाएं हैं, इनको मैं जागृत कर पाता हूँ तो मेरे साथ बनी रहती है ना, यानी कि मुझ में वो समझ बनी रहती है। यदि मैं उनको नहीं जागृत कर पाता हूँ तो कल्पनाशीलता के दायरे में भी क्रियाशील हूँ, वो क्रियाशीलता और कम हो जाती है और मेरे निरंतर सुख की स्थिति नहीं बन पाती। चिंतन बोध अनुभव के साथ मेरे निरंतर सुख की स्थिति बन पाती है। तो एक तो अपने को ये बात समझ में आया कि मैं निरंतर बनी रहने वाली इकाई हूँ, और मैं एक ऐसी इकाई हूँ जो जिस जो एक प्रकार से निश्चित रूप से बनाई हुआ रहता है, उसमें टूटना फूटना नहीं होता, उसके गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक प्रकार से बना रहता है। अधिक से अधिक यही करना है कि ये जो मैं बना हुआ हूँ, मेरे अंदर जिन क्रियाओं का पोटेंशियल है उसको बस मुझे जागृत करना है, वो काम को हम करते चले, और यही उपलब्धि होगी। शरीर तो चला गया एक समय के बाद, अगर हमारी उपलब्धि सिर्फ सुविधा के अर्थ में है तो सुविधा भी शरीर के साथ चला गया, है ना। मेरे साथ क्या बना रहा, तो मेरी समझ ही बनी रहेगी। तो अगर हम पूरी शरीर यात्रा का निचोड़ देखें, क्या है, क्या उपकार कर सकते हैं हम अपने लिए, तो समझ ही है। हम चाहे 20 साल जिए, 70 साल जिए, चाहे 90 साल जिए, अल्टीमेटली जो चीज़ मेरे साथ बनी रहेगी, जो उपलब्धि हो सकती है मेरे लिए, वो मेरा समझ और भाव ही है। क्योंकि मेधा से जुड़ के जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ,
ठीक है ना, उसकी वस्तु तो बदल जाएगी, तो क्रिया हो नहीं पाएगी, उसकी वस्तु बदल जाएगी, शरीर नहीं रहेगा, सुविधाओं से जो मेरा जुड़ाव है शरीर के माध्यम से वो भी नहीं रहेगा। तो ये बात अगर स्पष्ट हो तो हम ज्यादा सटीक अपना कार्यक्रम बनाते हैं। इनफैक्ट इस पूरे कार्यक्रम को पूरा करते हुए जो मैं शरीर के साथ कर रहा हूँ, मैं अपने आप में हर बार देख पाता हूँ कि मुझ में क्या उपलब्धि हो रही है, ऐसी जो निरंतर बनी रहेगी। तो मैंने कोई भोजन का स्वाद दिया, स्वाद चला गया, कोई म्यूजिक सुना, स्वाद चला गया, लोगों ने मेरी तारीफ की है ना, उसकी सूचना भी चली गई, बना क्या रहा? इसको हम ठीक से अगर अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं तो दिखता है कि जो बना रहेगा मेरे सही समझ सही भाव ही है, तो इस पर हम गंभीरता से काम कर पाते हैं। तो ये अपने को दिखाई देगा थोड़ी जांच परख के साथ कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, शरीर साधन मात्र है। तो अभी जो बात हो रही थी अरुणा जी से, तो अपने को दिखाई दे कि एसेंशियली जो काम होना है वो तो मुझ में होना है, शरीर साधन मात्र है। उसके पहले जो बात हो रही थी हमें कम्फर्ट जोन बना लेते हैं, वो सारा हम शरीर के लिए बना लेते हैं, जो अपने लिए बनाते हैं उसमें भी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, डेफिनेटनेस नहीं है। हमको ये दिखाई दे कि एसेंशियली मुझ में काम होना है, और ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें मैं मूल्यांकन कर सकता हूँ कि उसमें मेरे अंदर क्या उपलब्धि हुई, क्योंकि मानव के होने में मैं ही केंद्र में हूँ। ठीक, शरीर तो सामयिक है, सुविधा भी सामयिक है, मैं निरंतर हूँ। तो मेरे लिए शरीर साधन है, शरीर के लिए सुविधाएं साधन है कि नहीं? ना समझी वश हम क्या करते हैं, अपने आप को हम सुविधा का साधन बना लेते हैं। तो जहाँ सुविधा शरीर के लिए साधन होता, शरीर मेरे लिए साधन होता, मैंने अपने आप को सुविधाओं के लिए साधन बना लिया, उसी को साध्य बना लिया। ये बात हमको ठीक से स्पष्ट हो जाए कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, शरीर साधन मात्र है जी। तो आज के अगर असाइनमेंट को ले तो असाइनमेंट के रूप में ये देखना बनता है, एक तो ये देखें कि मैं ही दृष्टा कर्ता भोक्ता हूँ या शरीर है, इसके एक शब्द के विस्तार में भी हम लोग जाएंगे। वैसे ही देख लें कि शरीर साधन मात्र है और मैं मानव के होने में यानी मेरे होने में मैं केंद्र में हूँ, शरीर नहीं। इन बातों को अपने आप में ऑब्जर्व करना है, इन बातों को ऑब्जर्व करने में थोड़ा समय लगेगा। इनफैक्ट जितना भी हम लोग अभ्यास अभी करने वाले हैं उसमें बातें ज़्यादा ठीक से स्पष्ट भी होंगी, तो बहुत सारा समय हम लोग लगाएंगे अपने आप में दृष्टा भाव को ठीक से देखने का। परंपरा में भी देखें तो दृष्टा भाव में स्थापित होने की बात की गई है कि हम अपने दृष्टा भाव में स्थापित हो पाए, ठीक है ना। ये दृष्टा भाव में स्थापित होने का मतलब भी क्या है ये हमको समझ लो। तो जैसा मैं हूँ है ना, वो भी मुझे दिखाई दे, और जैसा मैं वास्तव में होना चाहता हूँ वो भी मुझे दिखाई दे। तो संबंध में मैं स्थापित होना चाहता हूँ, व्यवस्था में होना चाहता हूँ, अस्तित्व में मैं बना हुआ हूँ, उसको मैं ठीक ठीक देखना चाहता हूँ, ये बात मुझे है ना स्वयं में दिखाई देने लगी। तो ये अपने लिए करने लिए काम है, हम दोनों अभ्यासों में इस चीज को और गहराई से करेंगे, ताकि जो मुझ में जानने का पोटेंशियल है, देखने का पोटेंशियल है, उसको मैं ठीक से रियलाइज कर पाऊँ, उसका सदुपयोग कर पाऊँ, ताकि मेरे अंदर सुख की स्थिति बनी रहे, मैं अपने स्वभाव में जी पाऊँ, मैं अपने स्वभाव में रह पाऊँ। तो ये बात हम लोग और बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छा, तो हम लोग इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, कल और विस्तार से हम लोग दृष्टा करता और भोक्ता इन तीनों को समझने का काम करेंगे। आज अपने आप में थोड़ा ऑब्जर्व करें, इस बात पे थोड़ा हम ध्यान दें कि क्या मैं इस बात को देख पाता हूँ कि अल्टीमेटली अचीवमेंट जो होना है, जो उपलब्धि होनी है, मुझ में होनी है, न शरीर में न सुविधाओं में। तो सुविधाओं के लिए जो मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ, शरीर के लिए जो कार्यक्रम बना रहा हूँ, इसके मूल में मुझे देखना बनता है कि मुझ में क्या उपलब्धि हो रही है। इस बात को अपने आप में ऑब्जर्व करें, फिर कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।